हेलो गाइस, मेरा एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं और मेरा दोस्त जा रहा है लाइटलूम, जो कि पड़ता है मेघालय में, काफ़ी फेमस है और यहाँ का एक काफ़ी पसंदीदा जगह होता है। यहाँ तक कि यहाँ का जितना भी टूरिस्ट आता है वो वहाँ में जाता है लाइटलूम में, और यहाँ का लकल लुक भी वहाँ में जाते रहते हैं। जब भी वीकेंड हो जाता है, जब भी संडे या जब भी ऐसा मिल जाता है, वहाँ में जाके कैंपिंग करना और ये हाइकिंग वाइकिंग करना वहाँ पे काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ में बार बार जाते रहते हैं। तो आज हम दोनों भी आज वहाँ पे जा रहे हैं, और ये है मेरा दोस्त लेट्स ये है मेरा दोस्त आज हम दोनों वहाँ में जा रहे हैं, तो चलते हैं। तो हम दोनों अभी स्मिथ में आगे है। अभी स्मिथ जो ऑलमोस्ट हार हो रहा है, यहाँ से 7 किलोमीटर 7.9 किलोमीटर है यहाँ से लाइट रूम जो। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम दोनों यहाँ में थोड़ा सा रेस्ट करेगा। पता नहीं ये कौन सी जगह है, बहुत ही सुंदर है और एक बस्ती है जो कि काफ़ी सुंदर है। हेलो ये मेरा दोस्त लेच, वाह हैंडसम। हाँ, इसको देखो ना, ये देखिए गाइस, वाह, ये जो आप लोग देख रहे हैं वो जो उसमें काला काला होके बैठे वो पूरा कम्प्लीटली एक पत्थर है। पत्थर है ना, क्या है, पत्थर है ना, पूरा पत्थर से भरा हुआ है जगह। ये देखिए गाइस, एकदम अजीब सा सुंदर है। पत्थर है जो कि ऊपर में ऐसे बैठा हुआ है, और ये नीचे में पानी खेती जैसा दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली पानी खेती नहीं है, ये आलू बगान है, आलू खेती है ना, आलू है ना। हाँ, वाओ काफ़ी सुंदर है। यहाँ में आने का आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा, बार बार यहाँ में बैठने मना होगा, क्योंकि ये जो बहुत ही बढ़िया जगह है। हालाँकि यहाँ का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ में पानी कम मिलता है, पानी इतना नहीं मिलता है यहाँ पे। तो आज हम दोनों यहाँ में थोड़ा सा बैठा हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। अभी यहाँ से सामने है, अभी ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है, इसलिए हम दोनों यहाँ में थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लेगा। और ये देखिए मेरा दोस्त जो कर रहा है, ये बस्ती के सामने में मिल गया है। ये देखो, हम लोग इसको अरुणाचल प्रदेश में ताइन का नाम से जाना जाता है। पता नहीं यहाँ में क्या बोलते हैं, बिताई क्या, बिताई क्या, चेंगे वो अमिता जो। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखो इसको यहाँ में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग का वहाँ पे टाइन बोलते हैं हम लोग इसको, टाइन लोकल बेरी, लोकल इसको बेरी। जो कि काफ़ी मीठा है, टेस्ट है एकदम टेस्ट। लाइटलूम का रास्ता में ये सब आपको मिल जाएगा, अगर आप रास्ता को ध्यान से देखेगा तो ये सब मिल जाएगा, इसलिए काके जाना है। लेट थोड़ा कहा ले दो, रुको। वाह, बहुत टेस्टी है। तो देखिए गाइस, अभी लाइटलूम में पहुंच गया है। यहाँ में आपको पार्किंग के लिए ढूंढना पड़ेगा, और वहाँ में एंट्री में आपको 30 रुपीज़ ले लेगा पार्किंग के लिए। तो ये देखिए, हम दोनों अभी लाइटलूम में पहुंच गया है, और ये मेरा दोस्त जो कि लेच है, अरुणाचल प्रदेश जिलों से बिलोंग करता है, हैंडसम बॉय है यार। और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा पीछे पूरा काई है, ये वो उस पार में पूरा प्लेन होता है, लेकिन ये जो बीच में पूरा काई है, यहाँ से दिखने मन भी नहीं है, बहुत ही डरावना है। जब भी आप अगर यहाँ में आते हैं बोलने से, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ से इतना नीचे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से एक बार अगर स्लिप हो गया तो बाय बाय, एकदम दुनिया से खत्म। अभी मैं इसका नज़ारा आप लोग को दिखा देगा कैसे दिखते हैं। तो अभी गए हम दोनों लाइटलूम में पहुंच गए हैं। ये एक्चुअली जब वहाँ से एंट्रेंस होता है, ये यहाँ का नज़ारा होता है, लेकिन असली नज़ारा तो वहाँ पे है, लेकिन इसका नज़ारा भी आप लोगों को देखा देगा। इतना सुंदर है काफ़ी, ये देखिए वो नीचे में छोटा छोटा स्ट्रीम है, नदी है, और उसमें छोटा छोटा विलेज भी है जो कि काफ़ी सुंदर है।
पूरा खेती है, लेकिन यहाँ से इतना नीचे जाने में नहीं है, पूरा धरातना है। और गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रास्ता में छोटा छोटा दुकान है। और ये रहा कोंग। हाय, हेलो कोंग। हाय, हेलो। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, जैसे कि मिर्च यहाँ पे देखो जला के रखा, इसको भी आप खा सकते हैं। और यहाँ में कुछ भी आप डिमांड कर सकते हैं लोकली, जितना कुछ भी आप खाने मन होगा तो यहाँ से ले मिलेगा। हाय कोंग, कोंग। और वो पीछे में होटल है, वहाँ से आप राइस खा सकता है। और राइस यहाँ का काशी राइस एंड फ्राई के साथ या जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा वहाँ में, जो भी आप चाहिए, जो भी खाने मन होगा आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में काफ़ी लोग भी आया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। वाह, इतना सुंदर ना, इसका सामने में आलू बागान भी है, तो सुंदर सुंदर बागान। यहाँ से अभी नीचे जाएगा वहाँ में, वहाँ से पूरा काय को दिखाई देते हैं, वैसे जाके देखें, नीचे जाके देखते हैं। यहाँ पे पूछा रहा है हुआ, ये भी खेती था होगा ना शायद। तो अब यहाँ में आता है बोलने से, वहाँ से शिलोंग से 3 बजे जैसे को निकलने, क्योंकि काफ़ी गर्म है और मेरा दोस्त गर्म होकर देखो ले जा रहे उठ के बैठे हुए। वाह गाइस देखिए, काफ़ी सुंदर है। वो दूर में बस्ती है एक बसा हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर है, यहाँ से पूरा काय काय। और अब जब भी यहाँ में आने से इसको ध्यान से चलना है, क्योंकि स्लिप हो सकते हैं यहाँ से। ये कौन सा बस्ती होता होगा नीचे में? और यार देखो ना, इतना सुंदर बस्ती है नीचे में, देखो मुझे सिर दिखा गया। हाँ यार, वहाँ तक कौन जा सके। ये देखिए नीचे में एक सुंदर सा बस्ती है। वाओ, यहाँ से आपको नीचे जाते रहना है, फिर देखिएगा वो बस्ती, इतना सुंदर। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, हम दोनों अभी अभी हमें बैठा हुआ है, काफ़ी धूप आ रहा है यहाँ पे, सनलाइट बहुत ही गर्म है। और ये जो ये मेरा दोस्त वहाँ पे बैठा है, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो इसको लग रहा था ये फाइन ट्री है, लेकिन एक्चुअली ये फाइन ट्री नहीं है, आर्टिफिशियल है, सीमेंट से बना है ना। और गाइस आप लोग देख सकते हैं वो नीचे में वहाँ में बस्ती बसा हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहें तो वहाँ पे वो मेरा पीछे हम दोनों जामे खा रहे, वो उसमें चीरी दिया हुआ है। आप वहाँ से नीचे जाके आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर हो गया यहाँ से, इतना दूर है। अगर आप चाहो तो उधर जा सकते हैं, लेकिन हम दोनों नहीं जाएगा, काफ़ी दूर है। ये देखिए नीचे वो जो बस्ती नीचे में बसा हुआ है, आप चाहो तो उधर जा सकते हैं। ये जो सीढ़ी है यहाँ से जाते हैं, तो पत्ता से बना हुआ है ना। वाह, इतना डरावना है, ये देख सकते हैं आप, ये जो सीढ़ी दिया है यहाँ से नीचे जाके वो जो बस्ती को विजिट कर सकते हैं। एक विलेज है जो नीचे में बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और वहाँ में स्ट्रीम नदी है, वो नदी जो वहाँ से निकल आता है, वो जो पहाड़। वैसे मेघालय में तो इतना पहाड़ नहीं होता है, अगर नीचे में काय है पहाड़ होता है तो ऊपर में पूरा प्लेन एरिया हो जाता है। ये देखिए पूरा पत्थर से भरा हुआ, यहाँ से आपको सीधा नीचे जाते ही रहेंगे। वो ना सच में नीचे तक तो ये नीचे बस्ती में तो गाड़ी नहीं आता है, इसलिए वो लोग वहाँ से कुछ उपाय ढूंढा है, और ये जो उपाय यही है, यहाँ से सीमेंट मेन बेचता होगा शायद ना। वो वो यहाँ से सीधा बेचता है ना वो, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो ये शीश, ये पूरा सीधा जाके यहाँ में रोशनी दिखाई दे रही है, ये जो सीधा जाके वो बस्ती तक पहुँच जाता है, जितना भी बारी सामान है यहाँ से बेच देता होगा, अंदर से कंट्रोल करता होगा क्या, ऐसे डायरेक्ट बेच देते, डायरेक्ट है ना, नहीं नहीं अंदर से कंट्रोल होता होगा। देखो रोसी हुआ नीचे से होके ऐसा होते, ये जो ये जैसे कि गैस आप लोग देख सकते हैं, ये ना
ये सामान के लिए शायद ये बना होगा, ये जो रस्सी से नीचे जाके सीधा नीचे जाते हैं वो बस्ती में डायरेक्ट सामान, जितना भी सीमेंट होता होगा सामान वामान जितना भी भारी है यहाँ से पूरा बेच देता होगा ये, वो नीचे बस्ती में ये देखो। फिर वो नीचे जाके वो हमें प्लेन हो जाता है, ये जो पूरा एक ऐसा एरिया है जो काई है, फिर ऊपर ऊपर में पूरा प्लेन है ये जो एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा पीछे वो जो पूरा एरिया पूरा प्लेन है ऊपर में, लेकिन नीचे जो काय है और ये जो पहाड़ है दिखाई दे रहा है, और पहाड़ का जस्ट नीचे में ये जो नीचे प्लेन है उसमें बस्ती जो बसा हुआ है। कितना एरिया उसे वो लोग इसको धंधा हुआ ना, तुमको अगर यहाँ में रख के जाने के लिए बोलेगा तो तुम जाएगा। इतना दरपना है पूरा काय है यार। ये सीरी को देख के एक मूवी याद आ गया, कौन सा मूवी था? हाँ चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान जब एक्ट्रेस को उठा के ऊपर जा रहे हैं भाई, नहीं होगा हमसे। अभी हम दोनों यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और उसमें आप लोग को देखा देगा उसका नज़ारा भी बहुत ही सुंदर है। अभी हम दोनों नीचे तक तो बस्ती तक तो नहीं गए हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, फिर आप लोग को ऊपर जाके वहाँ में एक तो बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे ये क्या रोगन ना, और रोगन टू का एक तो सॉन्ग है उसको वहाँ पे शूटिंग किया था, उसको आप लोग को दिखा देगा। अभी हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं ऊपर तरफ जहाँ मैं शूटिंग किया था रोगन टू मूवी का सॉन्ग को, जहाँ मैं शूटिंग किया था ये जो ऊपर है, अभी यहाँ से जाके हम दोनों देखेंगे ऊपर में। और गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ बता देगा, यहाँ में ये जो दिखाई दे रहा है वो लोग कुछ पकड़ के टुकड़ी उकड़ी पकड़ के घूमता है, ये कुछ भी सामान आपको दे देगा जो भी आपको चाहिए, जैसे लोकल वाइन होता है, हालाँकि ये सब चीज़ बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लोकल वाइन, ये राइस का वाइन होता है, राइस बियर, हाँ जो कि काफ़ी टेस्टी होता है, एक बोतल का 100 रुपया होता है, आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हैं। पानी तो साफ नहीं है भाई, पानी पूरा गंदा है। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी पहुंच गए हैं जहाँ मैं रोगन टू का सॉन्ग को ये शूटिंग किया था, ये जगह चले ऊपर तरफ, यहाँ में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये पूरा यहाँ में ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ में इतना सुंदर है, काफ़ी दिखने लायक एकदम। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो ऊपर में भी बहुत सारे हाथी आया हुआ है, काफ़ी सुंदर है। एंड गाइस में इसका नज़ारा आप लोग को दिखा देगा कैसे दिखते हैं, ये कैसा नज़ारा कैसे दिखते हैं आज में आप लोग को दिखा देगा। यहाँ में रोगन टू का सॉन्ग को शूटिंग किया था, वाओ अपने लोग, जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे फिल्म शूटिंग चल रहा है, वो जो कि वो उसमें ड्रोन जो उड़ के बैठ रहे हैं, ये देखिए ड्रोन पूरा उड़ के बैठ रहे हैं वहाँ पर, पता नहीं यहाँ पे जीजस का ये शूटिंग चल रहा है लगता है, क्योंकि जीजस का कपड़ा पहन के वो घूम रहे हैं वहाँ पर। ये देखिए नज़ारा, वाह इतना सुंदर, भाई आराम से, हाँ वैसे नहीं गिरने एकदम काय है। ये नज़ारा देख के मुझे फिर से गाना गाने मन हो गया, जैसे कि मैं हमेशा गाते ही रहता हूँ, जब भी मैं ऐसे पहाड़ वादियों में आता है तो मन जो कुछ से गुनगुनाता है गाना गाने के लिए, तो इसलिए आज मैं फिर से गाना गा देगा। ये वादियाँ ये पिचाए बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाए
बुला रही है तुम्हें। लेट्स, कैसा लगे मेरा गाना? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। ओके, तो आज हम तुम जितना भी घुमा है सबको घुमा है, लाइट नीचे से लेकर ऊपर तक और जितना भी देखना चाहिए उसको देख के थोड़ा सा हमें भी रेस्ट करें, क्योंकि ये सूरज ढलने को है, तो इसलिए हम दोनों यहाँ में थोड़ा सा बैठ के निकले गए यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हैं हम दोनों के पीछे, वाह इतना सुंदर। और यहाँ में कोंग है जो कि हम दोनों के लिए बना रहा है लेमन टी। हाय कोंग, हाउ आर यू? ओके, यू आर सो क्यूट। ये जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये हर जगह आप लोग को मिलेगा टी, जो भी वट एवर यू वांट, लाइक जैसे ये होता है पॉपकॉर्न एंड अदर्स वट एवर यू वांट, यहाँ पे मिल जाएगा ये कोंग। ये आप लोग देख सकते हैं शाम का नज़ारा, वाओ इतना सुंदर। शाम तरफ को यहाँ में काफ़ी लोग आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आदमी अभी आना शुरू हो गया है, हर जगह आदमी है शाम तरफ को, क्योंकि सूरज ढलते ही यहाँ में आदमी लोग आ जाते हैं पूरा। आप जब यहाँ में आता है लाइट लूम में, तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जब सनसेट को बिना देखे अगर आप जाएगा तो ये आप लाइट लूम देखा ही नहीं, कुछ भी देखा ही नहीं, क्योंकि सबसे यहाँ का खास ये चीज़ होता है कि ये जो सनसेट होता है, हालांकि उसमें अभी जो क्लाउडी बैठा हुआ है, लेकिन ये जब क्लाउड नहीं होने से बहुत ही सुंदर होता है यहाँ का, काफ़ी फेमस होता है लाइट लूम जो एक नाम से, कि सनसेट लाइट लूम का क्या होता है कैसे देखते हैं इसका नज़ारा कैसे होता है, वही देखने काफ़ी लोग यहाँ में आ जाते हैं शाम तरफ को। तो इसलिए जब भी आप अगर लाइट लूम आता है तो सनसेट को बिना देखे नहीं जाना है, क्योंकि आप सनसेट नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा लाइट लूम आके, बहुत ही सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे देखो, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो जो लाइट लूम का काफ़ी फेमस है सनसेट, अभी तो उसमें क्लाउड बैठा हुआ है, लेकिन अगर क्लाउड नहीं होने से और भी सुंदर होता है, ये जो नीचे से पूरा लाल लाल हो के पूरा वो जो सूरज जो नीचे जाता है बहुत ही सुंदर होता है, काफ़ी सुंदर है। यहाँ से तो और भी बढ़िया से दिखाई देते ना, इतना सुंदर है यहाँ पे, इसलिए ये सिर्फ सनसेट को देखने के लिए यहाँ में लाइट डूबने आते हैं आदमी। तो गाइस मेरा आज का ब्लॉग यही तक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यू गाइस आर ऑसम। जय।